हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीन्स प्रेस करना सिखाऊंगी। ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आजकल सब बच्चे लॉकडाउन में, जो बच्चे बाहर रहते हैं, घर पर आए हुए हैं, तो वो इस समय ये वीडियो देख के ये सीख सकते हैं कि जीन्स को आप घर पर ही कैसे प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जीन्स को ऐसे दोनों पैरों को ऐसे फैला लिया है। उसके बाद एक एक पैर करके हम इसको प्रेस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जेब को बैठा लेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक इसको पहले एक पैर को प्रेस करेंगे। ये हमारा एक पैर प्रेस हो गया। अब इसको साइड में लगा देंगे आगे, और फिर हम इस दूसरे पैर की तरफ आएंगे। देखिए, इसमें काफ़ी रिंकल्स हैं, इसको सेट करेंगे। सिलाई से सिलाई बिठा लेंगे इधर, और इसको सेट करके रखेंगे। फिर इस तरफ की पॉकेट को बैठा लेंगे पहले। और जीन्स को प्रेस करने के लिए बिल्कुल प्योर कॉटन पे रखते हैं, नंबर कॉटन पे लगाते हैं और फिर प्रेस करते हैं। जीन्स के लिए थोड़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। स्पेशली ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है कि बच्चे जो हैं ये देखें और समझें कि किस तरह से किया जाता है जीन्स को प्रेस, और वापस जब अपने यहाँ जाएंगे तो अपना वहाँ पर कर सके, घर पे ही, कोई दिक्कत। अब इसको जो है ऐसे फोल्ड करके लाएंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड करके एक के ऊपर एक लगा। फिर ये पॉकेट वगैरह होती है, इसको दबा के अच्छे से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा तेज दबा के करेंगे तो सारे रिंकल्स जो है ये मिट जाएंगे। और बिल्कुल हॉट कॉटन पे करेंगे इसको, स्लो पे बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना। अब वापस इसको पलट देंगे, फिर इसकी भी पॉकेट पे करेंगे पहले। और ये देखिए, जो ये चमड़े के जो टैटू वगैरह, टैग वगैरह लगे रहते हैं, इस पे प्रेस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। इससे थोड़ा बचा के प्रेस करें। दबा दबा के इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि सारे रिंकल्स इसके मिट जाएं। फिर इसको फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड ऐसे लाएंगे और एक फोल्ड ऐसे लाएंगे। देखिए, अब फिर से बता देती हूँ आपको, एक फोल्ड ऐसे लाएंगे और एक फोल्ड ऐसे लाएंगे। तो ये देखिए, हमारी जीन्स प्रेस हो गई। चाहे लेडीज जीन्स हो चाहे जेंट्स जीन्स हो, दोनों इसी तरीके से प्रेस होंगी। तो देखिए, आज मैंने आपको समझाया कि आप घर पर ही आसानी से कैसे प्रेस कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जीन्स प्रेस हो गई। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।